नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कावेरी जल विवाद पर भड़की हिंसा के बाद बेंगलुरु के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। प्रदर्शनकारियों ने डिपो में खड़ी तमिलनाडु की 40 बसों में लगाई आग। पुलिस फायरिंग में एक की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ लगातार तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। अब तक 7 आतंकी ढेर, एक पुलिस कांस्टेबल की मौत। दिल्ली में भी ओडिशा के कालाहांडी जैसी तस्वीर। पत्नी के शव को लेकर रात भर भटकता रहा पति। मकान मालिक ने शव को घर में लाने से किया इनकार। अस्पताल प्रशासन ने भी नहीं दी जगह। ईद के मौके पर नवाज और हाफिज सईद ने कश्मीर पर उगला जहर। हुर्रियत नेताओं के रवैये का किया समर्थन। बागी विधायक देवेंद्र सहरावत आपसे सस्पेंड। केजरीवाल के चरित्र पर सवाल उठाने की मिली सजा। सहरावत ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा 67 विधायकों के साथ भी काम नहीं कर पाए तो छोड़े सीएम का पद। देश भर में मनाई जा रही है बकरी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद सहित सभी मस्जिदों में अता की गई ईद की नमाज। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने दी ईद की बधाई। और पैरालंपिक में भारत को बड़ी कामयाबी। शॉट पुट स्पर्धा में दीपा मलिक ने जीता सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने दीपा को दी बधाई। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।